पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद हिंदुस्तान में एक बार फिर खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद जैश पूरी तरह से बौखला चुका है। सेना लगातार एक के बाद एक जैश के कमांडर को ढेर कर रही है। घाटी में जैश आतंकियों का तेजी से सफाया हो रहा है, जिससे बौखलाया जैश सेना को एक बार फिर से टारगेट करने की साजिश रच रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में सबसे बड़े हमले की साजिश की बात कही गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश पुलवामा की तर्ज पर गाड़ी से हमला कर सकता है। इसके लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी तैयार की गई है। इस गाड़ी को सेना की गाड़ी का रंग दिया गया है ताकि गाड़ी की आवाजाही में दिक्कत न हो। सूत्रों के मुताबिक चौकी बॉल और तंगधार का इलाका इसके निशाने पर होगा और इस बार फिर हमले का टारगेट सेना का कॉन्वे होगा। ये हमला अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ही हो सकता है। ताजा इनपुट मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना रहने को कहा है। खुफिया विभाग को ये जानकारी आतंकियों के बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत से पता चली है, जिसमें आतंकियों ने कोडवर्ड का इस्तेमाल किया। जब इसको डीकोड किया गया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आतंकियों ने विस्फोटक के लिए खिलौना शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात, कोड में कहा गया कि पिछली बार 200 किलो खिलौने थे, इस बार 500 किलो का होगा। यानी पुलवामा से बड़े हमले की साजिश रचने की तैयारी कर रहा है जैश, जिसके निशाने पर सेना का काफिला है और इसका तरीका पुलवामा आतंकी हमले जैसा ही है।